साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आज की जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूं, ये आपकी किस्मत बदल देगी। काफी लोग आपने कहते हुए सुना होगा कि जब से ये वाला नोट मेरी जिंदगी में आया है, तब से मेरी जिंदगी में धन की बरकत ही बरकत है। मैं कितना भी पैसा खर्च करता हूं, लेकिन जब भी इस नोट को खर्च करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जिसके जरिए आपकी जिंदगी में पैसों की कभी भी कमी नहीं आएगी। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आपका जो भाग्यांक है और आपका जो मूलांक है, ये वाला नोट आपको रखना है। आपके पास में जब भी कोई पैसे आते हैं तो आप जितने ज्यादा इन जो मैं आपको बता रहा हूं कि मूलांक और भाग्यांक वाले जितने ज्यादा हो सके नोट को अपने पास में रखेंगे या अपने तिजोरी वगैरह में रखेंगे, तो दोस्तों धन की पैसे की कभी भी आपको कमी नहीं आएगी। क्योंकि हर नंबर दोस्तों कहीं ना कहीं भाग्यांक और मूलांक से जुड़ा होता है, और प्लैनेट के जो नंबर होते हैं हमारे आपके बर्थ चार्ट में, उनकी एनर्जी प्लस आपकी करेंसी की एनर्जी और साथ में ये जो नंबर बता रहा हूं इसकी एनर्जी जब आपकी लाइफ में प्लस हो जाएंगे तो पैसे दोस्तों आपकी जिंदगी में बहाने मार मार के आएंगे। तो करना क्या है दोस्तों आपको? सबसे पहले आपका जो मूलांक होगा, मूलांक आप कैसे निकालेंगे? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 या फिर 10 तो आप क्या करेंगे, आपका मूलांक है 1, ठीक है? जिसका मूलांक 1 है तो उनको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो नोट आपका होगा तो नोट के ऊपर जितने नंबर लिखे होंगे सारे नंबर्स को आपको लाइन से काउंट कर लेना है, ठीक है? जितने भी नंबर होंगे सारे नंबर्स को आप ऊपर जो लिखे हुए हैं नोट में करेंसी में सारे नंबर्स को काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद में अगर डबल डिजिट आता है, सपोज आ जाता है कि 11 आ जाता है, तो 1 1 + 1 इनको भी आप प्लस कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, 1 डिजिट आ जाएगा। अब ये डिजिट आपको देखना है कि आपकी मूलांक से संबंधित है, आपका मूलांक और इसका मूलांक दोनों सेम है तो इस नोट को आपको रख लेना है। अब दूसरा मेथड यह है आपका भाग्यांक। भाग्यांक आप कैसे निकालेंगे? आपकी डेट ऑफ बर्थ टोटल जितनी भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सपोज 23, 4 and 1986, तो इन सारे नंबर्स को आप क्या करेंगे, एक साथ प्लस कर लेंगे। सारे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं सारे नंबर्स को आपको प्लस कर लेना है। उसमें भी यदि डबल डिजिट आता है तो उन डबल डिजिट को प्लस करेंगे तो सिंगल डिजिट आ जाएगा, तो वो सिंगल डिजिट जो होगा आपका भाग्यांक होगा। तो ये दो नंबर जो होंगे आपके लिए लकी नंबर होंगे। तो आपको पहला मूलांक वाला और दूसरा भाग्यांक वाला, ये दोनों नोट के जो नंबर्स होंगे तो जब भी आपके पास में कोई भी पैसा आता है तो सारे नंबर्स के आप एक नोट रख लें, दो नोट रख लें, जब भी टाइम मिलता है आपको, तो जितने ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो जितनी भी करेंसी में जो भी, चाहे वो 10 का नोट है, 20 का है, 50 का है, 500 का है, तो सारे नंबर्स को आप क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। पहला नंबर जो होगा आपका मूलांक वाला होगा, दूसरा नंबर आपका होगा भाग्यांक वाला होगा। तो ये दो नंबर्स के नोट अगर आपको मिल जाते हैं आपको काउंट करने पड़ेंगे। अब जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 है तो 2 वाला निकालेंगे, जिसकी 3 है वो 3 वाला निकालेंगे, जिसकी डेट ऑफ बर्थ मूलांक और भाग्यांक जो होंगे वो वही वाला नंबर का नोट निकालेंगे। मतलब कि जो नोट में जो नंबर्स दिए हुए हैं प्लस करने में लास्ट में, आपको दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं कि डबल डिजिट आएंगे तो आपको उनको भी प्लस कर लेना है। जैसे कि एक नोट में आप जितने भी नंबर्स होंगे सारे नंबर्स को प्लस करने में डबल डिजिट भी आ सकते हैं, तो जो डबल डिजिट आएंगे उनको भी प्लस करके आपको सिंगल डिजिट में लाना है, और जो सिंगल डिजिट जो होगा वो आपका भाग्यांक होगा। पहले आपको क्या करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 9 तक तो ठीक है, अब जिसकी 11 है डेट ऑफ बर्थ तो वो क्या करेंगे, 1 + 1, ठीक है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाएगी, 2। अब जिसकी 12 है तो 12 वाले जो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 12 है वो क्या करेंगे, 1 + 2, तो इनकी मूलांक क्या हो जाएगा, 3। जिनकी 14 है वो 1 + 4, 5, इनकी क्या हो जाएगा मूलांक, 5। अब ऐसे ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी, टोटल डेट ऑफ बर्थ, सपोज की 23 आपकी फर्स्ट ऑफ डेट हो गई, मंथ आपका हो गया 4, 1986 हो गई आपकी सन, ठीक है, तो इन सबको लाइन से प्लस करने के बाद में ये आपका भाग्यांक हो जाएगा। तो ये वाले दो नोट आपको निकाल करके रख लेने हैं। नोट की जितनी भी करेंसी में जो नंबर्स हैं सारे नंबर्स को प्लस कर लेंगे, सिंगल डिजिट अगर आपका मूलांक या भाग्यांक वाला आता है तो ये आपका लकी नंबर है। अब ये नंबर वाले नोट आपको यदि मिल जाता है तो आपको करना क्या है, इसको आपको शुक्रवार के दिन में, गुरुवार के दिन में या फिर पूर्णिमा,
और यदि रोहिणी नक्षत्र में करते हैं, कैलेंडर में आप देख लें रोहिणी नक्षत्र में यदि इसको पूजा पाठ कर लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जो होता है माता लक्ष्मी से संबंधित होता है। तो क्या करें आप, अगर रोहिणी नक्षत्र में कर पा रहे हैं तो रोहिणी नक्षत्र में, या फिर शुक्रवार के दिन या पूर्णिमा के दिन। इस नोट को आपको क्या करना है, पूजा स्थान में किसी लाल कपड़े में या फिर किसी पीले कपड़े में रख करके और इसकी धूप बत्ती करना है आपको, और साथ में माता लक्ष्मी जी का एक मंत्र है श्रीम ब्रिजी। आप चाहे तो रुद्राक्ष की माला से, स्फटिक की माला से, लाल चंदन की माला से या फिर कमलगट्टी की माला से 108 बार इस मंत्र का जाप कर लें। केसर हल्दी कुमकुम, उस नोट में कहीं भी थोड़ा सा कुमकुम कुमकुम मिला करके उस नोट में कहीं भी तिलक कर दें। तिलक करने के बाद में इस नोट को आपको अपने जो पर्स होगा उसमें जो चोर बैग होता है छोटा सा, जहां पे कोई देखे ना, उसमें इस पर्स में इस नोट को उस पर्स में वहां पर छिपा करके रख दें। थोड़े से चावल रख दें, थोड़ी सी हल्दी वगैरह छिड़क दें। फिर देखिए दोस्तों कि आपका पर्स कभी भी, जब भी आपको ऐसी जरूरत पड़ेगी कि पैसे की कमी आ गई है, कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम होता रहेगा, क्योंकि आपके पूरे प्लानेट इस चीज को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, या आपका लकी नंबर हो जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों और भी नोट निकाल करके आप ऐसे, जैसे आप चाहते हैं कि और भी इस टाइप के नोट हो, तो ऐसे नोट आप निकाल करके अपनी तिजोरी वगैरह में रख सकते हैं, या फिर जहां पर आपका गल्ला है, व्यापार है, वहां पर रख सकते हैं। जितना ज्यादा इस टाइप के आपके मूलांक और भाग्यांक वाले आपके नोट आपके पास में होंगे, उतना ज्यादा पैसे की आपकी बरकत बनी रहेगी, पैसे आपकी जिंदगी में आते ही रहेंगे। और दोस्तों कभी भी कोई कार्य आपको ऐसा लगता है कि कोई विशेष कार्य है, तो अपने मूलांक वाले दिन या अपने भाग्यांक वाले दिन उस कार्य को करिए। कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीदे अपने मूलांक वाला या भाग्यांक वाले नंबर की गाड़ी खरीदिए। ये बहुत ही दोस्तों पावरफुली वर्क करते हैं लाइफ में, क्योंकि आपका भाग्यांक आपके ग्रह से संबंधित होता है, आपका मूलांक आपके ग्रहों से संबंधित होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।